हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब के प्रभारी और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने शनिवार को बायतू में अपने निवास पर बाड़मेर सहित आसपास के जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश चौधरी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से डेढ़ महीने से लगातार हमारी सरकार फैसले ले रही है, वो यकीनन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहे वो बिजली के दाम में कटौती करना हो या अन्य फैसले हो, और इन्हीं फैसलों के आधार पर हम आम जनता के बीच में जाएंगे और फिर से पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हरीश चौधरी ने इस दौरान राजस्थान में उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी का यह हाल हुआ। 2023 में फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई से जनता परेशान हो रही है और यही वजह है कि उपचुनाव में बीजेपी को जनता ने जवाब भी दिया है। हरीश चौधरी ने दो दिवसीय यात्रा के लिए अपने गृह जिले बाड़मेर आए हैं। शनिवार की दोपहर उनका उत्तरलाई से स्पेशल ट्रेन से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। हरीश चौधरी के बायतू निवास पर पंजाब के प्रभारी बनने पर कांग्रेस के विधायक पद्माराम मेघवाल से लेकर बाड़मेर कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन सहित कई अन्य नेताओं ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराम मेघवाल की रिपोर्ट।